मैं चंद्रकला आपका स्वागत करती हूं अपने गार्डन में। पिछले वीडियो में मैं आपको गेंदे के फ्लावर्स जो प्लांट में सूख जाते हैं उससे प्लांट को ग्रो करना बताई आपको। मैं दिखाई प्लांट कितने छोटे ग्रो किए हुए हैं, वही छोटे छोटे मैरीगोल्ड के प्लांट अब इतने बड़े हो गए हैं जिसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बहुत घना ग्रो किए हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ प्लांट बड़े और कुछ बहुत छोटे हैं। इसे अब मैं रिपोर्ट करके बताती हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे प्लांट। ये पिछला वीडियो बनाने के बाद मैं फिर से फ्लावर को छींट दी थी मिट्टी में। देखिए, ये जितने सारे प्लांट निकले हैं इस फ्लावर से ही निकले हैं। मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसे भी रिपोर्ट कर दूँगी। मेरे पास बहुत सारे मैरीगोल्ड के प्लांट हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको मैरीगोल्ड के प्लांट के लिए कैसा पॉटिंग सॉइल की ज़रूरत है वो बताती हूँ। सबसे पहले मिक्सचर बनाने के लिए, मिट्टी का मिक्सचर बनाने के लिए कोई भी बड़ा टब ले लें और इस टब में किसी भी डब्बा से क्वांटिटी नाप लें। चार डब्बा गार्डन सॉइल, आप इधर देख रहे हैं गार्डन सॉइल है, इसमें आप ये खरपतवार जो है इसे निकाल दें, धूप में सुखा लें इसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। चार डब्बा आप ले लें इस मिट्टी को और उसी डब्बे से नाप कर फिर आप उसमें डालें गोबर खाद। गोबर खाद आपका 2 साल पुराना होना चाहिए। इस तरह आप देख रहे हैं बहुत ही पुराना गोबर खाद है मेरे पास। इस तरह इस डब्बे से 4 डब्बा गोबर खाद डालें। ये 25 ग्राम कोई भी आप फास्फोरस या ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ NPK, 25 ग्राम NPK और 75 ग्राम नीम खली पाउडर। इन सबको इस मिक्सचर में डाल दें। इस तरह ये रहा NPK, 25 ग्राम NPK इसमें डाल दो। अब इन मिक्सचर को मिला दें, अच्छे से मिक्स कर दें। थोड़ा गोबर खाद, गार्डन सॉइल, NPK, नीम खली पाउडर, इसे अच्छे से मिला दें। इसे मिलाने के बाद इसे मॉइस्चर करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालें, बहुत गीला भी ना हो जाए। इस तरह फिर इसको अच्छे से मिला दें। ये देखिए, मिट्टी का मिक्सर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये मॉइस्चर हो गया है, बहुत गीली नहीं है, आप देख पा रहे हैं। इसे मैं डाल रही हूँ तो ये नीचे गिर रहा है, इसका मतलब मिट्टी में मॉइस्चर है और गीली भी नहीं है। अब इस मिट्टी के मिक्सचर को आप किसी भी खुली जगह, लेकिन वो शेड एरिया हो, उस शेड प्लेस पे आप रखें। कम से कम 1 सप्ताह के लिए इसे रख दें। 1 सप्ताह के बाद ही इस मिट्टी को यूज करें, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद इसमें जितना भी मैं केमिकल और नीम खली मिलाई हूँ उसका गर्म प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, जिससे प्लांट का मरने का खतरा नहीं रहता है। 1 सप्ताह के बाद आज ये मिट्टी मिक्सचर तैयार है। इस पॉटिंग मिक्सचर में मैरीगोल्ड का प्लांट लगाने के लिए या बोले रिपोर्ट करने के लिए पूरी तरह रेडी है। इस मैरीगोल्ड प्लांट को रिपोर्ट करने से पहले इसमें पानी डाल देंगे जिससे मिट्टी गीला हो जाए और निकालने में इसकी जड़ें न टूटे। किसी भी नुकीली चीज़ से, स्पून है या जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, पतली चीज़ उससे निकालें। ये देखिए इसकी जड़ें कितनी काफ़ी हेल्दी है, और इसे जैसे ही मैं प्लांटर पॉट में रेडी करूँगी, रिपोर्ट करूँगी, उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी होगी। आप देख रहे हैं इसकी जड़ें
काफ़ी हेल्दी और मज़बूत है। आज मैं इतना ही प्लांट को रिपोर्ट करूंगी, इतने मैरीगोल्ड के प्लांट मैं यहीं छोड़ देती हूं, इसे बाद में एक दो दिन बाद फिर मैं इसे रिपोर्ट करूंगी। मेरे पास ये प्लास्टिक के कुछ प्लांटर हैं, कुछ गमले हैं और कुछ उधर प्लास्टिक के प्लांटर बैग हैं। मैं इन सब में मैरीगोल्ड के प्लांट को रिपोर्ट करूंगी। कुछ इस तरह के प्लास्टिक बॉटल के प्लांटर हैं जिसमें मेरे बल्सम के प्लांट अभी भी ग्रो कर रहे हैं और फ्लावर दे रहे हैं। इसमें मिट्टी भरा हुआ है। इस तरह के प्लांटर पॉट में के मिट्टी को फिर से यूज नहीं करना है। इस पॉट में मिट्टी का मिक्सचर तो है लेकिन उसे मैरीगोल्ड नहीं लगाना है, उसमें से निकाल कर और फिर मिक्सचर तैयार करेंगे। आपके पास जैसा भी प्लांटर बैग हो उसमें आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि आप गमले में रिपोर्ट करना चाहें तो गमले में भी कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह ये प्लांटर पॉट में देख लीजिए, ये मिट्टी का पॉट है, इसमें ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। इस तरह का टुकड़ा इस पर रख दें, उसके बाद इस पॉटिंग मिक्सचर को प्लांटर पॉट में आधा डालें। छोटे से मैरीगोल्ड के प्लांट को देखिए, इसके कितने हेल्दी जड़े हैं। बहुत छोटा प्लांट है, इसमें आप दो लगा सकते हैं। इस तरह इसको लगा दें, मिट्टी से दबा दें और उसके बाद इस पॉटिंग सॉइल को इसमें डाल दें। अभी इसकी पॉटिंग सॉइल यहीं तक डालें, पूरी तरह से गमले को न भरें, 2 इंच कम से कम खाली रखें, जिससे इसमें पानी या फिर से कोई वर्मी कंपोस्ट डालना हो तो ये जगह खाली रहना चाहिए। अब इसको मैं एक साथ इन सारे प्लांटर में लगा लेती हूँ। इन सब प्लास्टिक प्लांटर पॉट में भी इस मिट्टी के मिक्सचर को हाफ हाफ डाल लें। अब इसमें एक एक प्लांट लगा देती हूँ, देखिए कितना हेल्दी है इसका जड़। इस तरह मिट्टी में इसको लगा कर और एक उंगली को प्रेस करके इसे अच्छे से पहले दबा दें। इसे दबाने के बाद अब इसके ऊपर पॉटिंग मिक्सचर अच्छे से डालें जिससे पौधा दबे नहीं, चारों तरफ प्लांट को। पूरी तरह से
ये प्लांट इस प्लांटर पॉट में। रेडी हो गया। इन सब बाकी प्लांट को भी मैं उस प्लांटर पॉट में रेडी करके आपको दिखाती हूँ। अब इसमें पानी डालें। पानी डालते वक्त ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ से प्रेशर से नहीं डालें, इस तरह किसी भी बॉटल से या आपके पास जो सुविधा हो उस हिसाब से इसे हल्का हल्का पानी डालें। मिट्टी तो हमारा मॉइस्चर था ही और इसमें हल्का हल्का पानी भी है। प्लांटर पॉट में या गमले में मैरीगोल्ड प्लांट को रिपोर्ट करने का समय शाम का हो। इस रिपोर्ट किए प्लांट को कम से कम 24 घंटे के लिए शेड में रखें और फिर अगले दिन हल्की धूप में रखें। मैरीगोल्ड के प्लांट में पानी तभी डालें जब गमले की मिट्टी सूखी रहे या गीली मिट्टी में पानी नहीं दें, वरना प्लांट खराब हो सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको मैरीगोल्ड में कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डालकर अधिक से अधिक फ्लावर कलेक्ट कर ले ये बताऊंगी। तो मेरे वीडियो को अब तो मेरे वीडियो का अपडेट लेते रहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करें। तब के लिए नमस्कार।